इंडिया सीमा प्यार में पाकिस्तान से नोएडा चली आई। यह गुत्थी सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है। वजह यह है कि हर सवाल का सटीक जवाब और कॉन्फिडेंस। सीमा ने 18 घंटे की पूछताछ में इस तरह से बेबाकी से जवाब दिया जैसे उसे किसी ने ट्रेंड किया हो। एजेंसियों को शक है कि सीमा के भारत आने का मकसद कुछ और ही है। यही नहीं, इंटरोगेशन के दौरान सीमा जिस कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही थी उसे देखकर लगता है कि वह अब भी काफी कुछ छिपा रही है। इसलिए अब जांच एजेंसियां सीमा का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवा सकती है। इसे लेकर एजेंसियों के बीच मंथन भी चल रहा है। एजेंसियां IQ, एटीट्यूड और साइकोलॉजी टेस्ट से सीमा के दिमाग को जांचने वाली है। माना जा रहा है कि एजेंसियां टेस्ट की इजाजत के लिए जल्द ही कोर्ट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अफसरों ने देखा कि सवालों से बचने के लिए सीमा अचानक से रोने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद ही मुस्कुराकर जवाब देती है। सचिन से सवालों पर यह कहती रही कि उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी सवाल है सचिन से पूछे जाए। सबसे ज्यादा शक इस बात पर पैदा हो रहा है कि सीमा ने अभी तक किसी भी सवाल पर आपा नहीं खोया। अक्सर देखा जाता है कि एजेंसियां जब भी अपनी तरह से पूछताछ करती है तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। इसके अलावा 18 घंटे की पूछताछ के दो दिन बाद सीमा ने फिर से मीडिया में इंटरव्यू दिया। उसने उन लोगों को झूठा करार दिया जिन्होंने सीमा के झूठ को प्रमाणित किया। इसमें बस सर्विस एजेंसी, नेपाल के होटल मालिक और पशुपतिनाथ मंदिर का बयान भी शामिल है। फिलहाल सीमा और सचिन दोनों ही बीमार है जिनका इलाज रबुपुरा के डॉक्टर कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई है जिसने सीमा को ट्रेंड किया है। सीमा का भारत आना, 50 दिन तक यहां पर रहना, फर्जी आधार कार्ड बनवाना, पकड़े जाना और फिर बेल होना, पहले पुलिस फिर तमाम जांच एजेंसियों की पूछताछ में बेबाक जवाब और मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं नहीं अटकना, सिर्फ रटी रटाई बातें ही बताना, ये जानना काफी अहम है कि सीमा का IQ लेवल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। सीमा ने कुछ बातें कही हैं, लेकिन ये बातें कितनी सच्ची है चलिए जानते हैं। नेपाल के होटल मैनेजर ने बताया था कि सीमा ने किसी दूसरे नाम से एंट्री की, जबकि सीमा ने कहा कि सचिन एक दिन पहले वहां पहुंचे, मेरी वहां कोई एंट्री नहीं। ट्रैवल एजेंट से बस बुकिंग के दौरान उसने अपने चारों बच्चों के गलत नाम लिखवाए और अपना नाम सीमा मीना लिखवाया ताकि वो अपने को हिंदू बता सके। अपनी उम्र को लेकर उसने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि वहाँ 4 से 5 साल कम उम्र लिखवाई जा सकती है। सीमा ने बताया कि सुनौली बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया, जबकि ATS पूछताछ में उसने सिद्धार्थ नगर बॉर्डर बताया। मोबाइल का टूटा होना, सिम तोड़ना जैसी कई बातें जिसका एनालिसिस जरूरी है। मनोवैज्ञानिक टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें कई मनोवैज्ञानिक टेस्ट किए जाते हैं। इन टेस्टों की मदद से किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व और उसके कार्य क्षमताओं का अंदाजा लगाया जाता है। इसमें सीमा का IQ टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, सेक्सोलॉजिकल टेस्ट भी शामिल है। सेक्सोलॉजिकल टेस्ट आमतौर पर ह्यूमन सेक्सोलॉजी बिहेवियर के लिए किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति का सेक्सुअल इंटरेस्ट और साथ ही बिहेवियर शामिल होता है। इस टेस्ट के जरिए किसी भी व्यक्ति की सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी समझने की कोशिश की जाती है, साथ ही उसके रिलेशनशिप, प्रजनन की क्षमता के बारे में जानकारियां जुटाई जाती है।